e-invoice generation। इस प्रेजेंटेशन में हम e-invoice generate करने के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके लिए सबसे पहले GSP user ID and registered होना चाहिए। registered GSP user ID and password आप busy में specify करेंगे, then transaction center करेंगे and e-invoice generate करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम e-invoice1.gst.gov.in पोर्टल पे जाएंगे, लॉगिन बटन क्लिक करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड स्पेसिफाई करेंगे एंड लॉगिन बटन क्लिक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे एपीआई रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में हम जाएंगे, उसके बाद हम यूजर क्रेडेंशियल ऑप्शन में जाएंगे एंड क्रिएट एपीआई यूजर ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन में आप ओटीपी एंटर करेंगे जो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे रिसीव हुआ होगा। वेरीफाई ओटीपी बटन क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन अपीयर होगी जिसमें कि आप जीएसपी के लिए रजिस्टर करा सकते हैं। यदि आपने हमारा ऑटो ईवी बिल जनरेशन वीडियो देखा हो तो उसमें हमने ये क्लियरली मेंशन किया है कि आप जीएसपी जो है इधर ईवी बिल के लिए बनाएं या फिर ई इनवॉइस के लिए, दोनों में सेम ही यूज होगा। यानी कि अगर आपने ईवी बिल में जीएसपी रजिस्ट्रेशन करी हुई है तो आपको ई इनवॉइस में करने की जरूरत नहीं है, एंड यदि आपने ई इनवॉइस में रजिस्ट्रेशन करी है जीएसपी की तो ईवी बिल में बताने की जरूरत नहीं है, दोनों में सेम ही यूज होंगे। बिजी में हमने मल्टीपल जीएसपी कॉन्फ़िगर करने का भी ऑप्शन दिया है, तो आप यहाँ पे दो जीएसपीज भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वेबटेल इलेक्ट्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड या फिर पिनाकल फिनसर्व एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये पूरा प्रोसेस हमारे ऑटो ईवी बिल जनरेशन वीडियो में क्लियरली मेंशन है, तो आप चाहें तो उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। ई इनवॉइस और ईवी बिल दोनों के लिए जीएसपी रजिस्ट्रेशन सेम रहेगा। अब जो जीएसपी यूजर आईडी आपने रजिस्टर किया है ईवी बिल या ई इनवॉइस पे, उसे हम बिजी में स्पेसिफाई करेंगे। हम एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स ऑप्शंस जीएसटी वैट टैब में गए। यहाँ पे ई इनवॉइस रिक्वायर्ड फील्ड में हमने ये स्पेसिफाई किया। ई इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन विंडो अपीयर हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबटेल इलेक्ट्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड एंड पिनाकल फिनसर्व एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों ही ऑप्शंस के लिए आप जीएसपी यूजर आईडी एंड पासवर्ड स्पेसिफाई करेंगे जो आपने रजिस्टर करे हैं ईवी बिल या ई इनवॉइस पोर्टल पे। सेव बटन प्रेस करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगर करने का। हम एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन में ही वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में गए। वाउचर टाइप हमने लिया सेल्स एंड सीरीज सिलेक्ट करी। उसके बाद यहाँ पे आप जेनरेट ई इनवॉइस आफ्टर सेविंग फील्ड में ये स्पेसिफाई करेंगे, यानी कि सेल्स वाउचर की मेन सीरीज के लिए हमें ई इनवॉइस जनरेट करना है। सेव बटन प्रेस करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में ही इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में हम जाएंगे। स्टैंडर्ड ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया, सेल्स इनवॉइस सिलेक्ट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फील्ड है प्रिंट ई इनवॉइस क्यूआर कोड। यदि सेल्स इनवॉइस के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप ई इनवॉइस का क्यूआर कोड प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप इस फील्ड में ये स्पेसिफाई करेंगे। देन इस प्रिंट ई इनवॉइस IRN एक्नॉलेजमेंट नंबर एक्नॉलेजमेंट डेट, यानी कि IRN एक्नॉलेजमेंट नंबर एक्नॉलेजमेंट डेट ई इनवॉइस की आप प्रिंट कराना चाहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सेल्स इनवॉइस के, तो आप इस फील्ड में ये स्पेसिफाई करेंगे। हमने इन दोनों ही फील्ड्स में ये स्पेसिफाई किया एंड सेव बटन प्रेस किया। टिल नाउ हमारा कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट डन हुआ है, यानी कि हमने सब चीज कॉन्फ़िगर कर लिए। अब हम एक ट्रांजेक्शन एंटर करेंगे एंड ई इनवॉइस जनरेट करेंगे। इसके लिए हम ट्रांजेक्शन सेल्स एड ऑप्शन में गए। वाउचर के हेडर से जुड़ी डिटेल्स हमने यहाँ पे स्पेसिफाई करी। उसके बाद आइटम सेलेक्ट करी, आइटम से जुड़ी डिटेल्स स्पेसिफाई करी, बिल सेंड्री अप्लाई करी एंड सेव बटन प्रेस किया। ट्रांसपोर्ट डिटेल्स विंडो अपीयर हुई जिसमें आप ट्रांसपोर्ट से जुड़ी डिटेल्स बता सकते हैं, ट्रांसपोर्ट GRRR नंबर स्टेशन टू प्लेस, एंड देन ई इनवॉइस रिक्वायर्ड फील्ड में आप ये स्पेसिफाई करेंगे। हमें यहाँ पे इनवॉइस जनरेट करना है इस वाउचर के लिए, ई इनवॉइस रिक्वायर्ड फील्ड में हमने ये स्पेसिफाई किया। ट्रांजेक्शन टाइप यहाँ पे आप सिलेक्ट ऑटोमेटिकली ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी इनवॉइस एक्नॉलेजमेंट नंबर फील्ड ब्लैंक है क्योंकि अभी इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ। सेव बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद बिजी ने पूछा डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस, यस बटन हमने क्लिक किया तो देखिए तीन ऑप्शंस आए, ऑटोमेटिक, जेसन, प्लेन एक्सेल। हम यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम ऑटोमेटिक ई इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए आपके पास बिजी का स्टैंडर्ड या एंटरप्राइज एडिशन होना चाहिए, वो भी एक्टिव बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन के साथ। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिपोर्ट ऑप्शंस अपीयर हुई। बिजी ने पूछा चेक पॉसिबल एरर्स या व्यू एंड जनरेट ई इनवॉइस, हमने चेक पॉसिबल एरर्स बटन को क्लिक किया। रिपोर्ट ब्लैंक है यानी कि कोई एरर नहीं है हमारे डेटा में। अब हमने व्यू एंड जनरेट ई इनवॉइस बटन को क्लिक किया। यहाँ पे ई इनवॉइस की डिटेल्स आ गई, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं ये डिटेल्स एंड देन जनरेट ई इनवॉइस बटन प्रेस करेंगे ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए। ये स्क्रीन पे मैसेज अपीयर हुआ
ई इनवॉइस एक्नॉलेजमेंट नंबर जो कि ये डिस्प्ले कर रहा है, यानी कि ई इनवॉइस आपका जनरेट हो गया है। नेक्स्ट विजी ने पूछा डू यू वॉन्ट टू प्रिंट ई इनवॉइस, येस। तो आप यहाँ स्क्रीन पे प्रीव्यू देख सकते हैं ई इनवॉइस का, इसमें IRN, एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट, सारी डिटेल्स यहाँ पे है। तो ये आपका एक प्रीव्यू है ई इनवॉइस का। इसके बाद नेक्स्ट विजी ने पूछा कि आप सेल्स इनवॉइस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्रिंट कराना चाहते हैं। हमने येस बटन प्रेस किया, रिपोर्ट ऑप्शन से डेटा बताया एंड ये आप सेल्स इनवॉइस देख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। इसके बॉटम में आप देख सकते हैं ई इनवॉइस QR कोड भी आ रहा है। आपको ध्यान हो हमने कॉन्फ़िगरेशन में स्पेसिफाई किया था कि हमें सेल्स इनवॉइस के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ई इनवॉइस का QR कोड प्रिंट कराना है। जो आपका इनवॉइस एक्नॉलेजमेंट नंबर है या IRN नंबर है वो ऑटोमेटिकली वाउचर में अपडेट हो जाएगा। हम सेल्स में मॉडिफाई ऑप्शन में गए, हमने वाउचर को ओपन किया जिस वाउचर के लिए हमने ई इनवॉइस जनरेट किया था, सेव बटन प्रेस किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं IRN फील्ड में, एक्नॉलेजमेंट नंबर फील्ड में डेटा आ रहा है। अभी तक हमने बात करी सिंगल वाउचर के लिए ई इनवॉइस जनरेट करने की, अब हम देखेंगे कि इन वन गो आप मल्टीपल वाउचर्स के लिए कैसे ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए हम ट्रांजेक्शन्स, GST, मिसलेनियस यूटिलिटीज में, ई इनवॉइस मैनेजमेंट में गए, यहाँ पे जनरेट प्रिंट ई इनवॉइस ऑप्शन हमने सिलेक्ट करी, ऑटोमेटिक ऑप्शन सिलेक्ट करी, वेरियस फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया बताया। यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सक्लूड वाउचर्स ऑलरेडी हैविंग ई इनवॉइस एक्नॉलेजमेंट नंबर। यदि आप उन वाउचर्स को एक्सक्लूड करना चाहते हैं जिनके लिए आप ऑलरेडी ई इनवॉइस जनरेट कर चुके हैं तो आप इस ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं। वाउचर्स की लिस्ट आई, आप सिलेक्ट करेंगे वाउचर्स जिनके लिए आप ई इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं एंड उसके बाद आप चाहें तो ट्रांसपोर्ट डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। यहीं से आप ई इनवॉइस की डिटेल्स पहले चेक कर सकते हैं। हम डायरेक्टली जनरेट ई इनवॉइस बटन को प्रेस कर रहे हैं। अगेन रिपोर्ट ऑप्शंस अपीयर हुई, इसने पूछा चेक पॉसिबल एरर्स, यस। हमारी ये रिपोर्ट ब्लैंक है यानी कि हमारा डेटा परफेक्टली फाइन है। उसके बाद हमने प्रोसीड विद ई इनवॉइस जनरेशन बटन को क्लिक किया एंड इसने मैसेज शो कर दिया कि 2 वाउचर्स के लिए ई इनवॉइस जनरेट हो गया। यहीं से आप चाहें तो ई इनवॉइस प्रिंट भी कर सकते हैं एंड आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं दोनों ही वाउचर्स के लिए IRN नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है। तो ये है हमारा प्रोसेस ई इनवॉइस ऑटोमेटिकली जनरेट करने का। होप इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप इजीली ई इनवॉइस जनरेट कर पाएंगे। और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।